नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मई के अंत तक भारत में ही तैयार होंगे रैपिड टेस्ट किट। खबरों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि संक्रमण की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट का भारत में ही अगले महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो सकेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इससे संबंधित शोध संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों के साथ संक्रमण के खिलाफ अभियान में तकनीकी कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दिशा में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मई के अंत तक प्रतिदिन 1,00,000 परीक्षण करने का लक्ष्य भी होगा। वैज्ञानिकों ने टीका की खोज में तेजी से काम कर रहे हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में 2 मई तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। झारखंड मौसम विभाग ने बताया कि 29 अप्रैल तक रुक रुक कर बारिश होगी। मौसम विभाग ने पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, दुमका, रांची, गुमला के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। कल लोहरदगा में 2 और गढ़वा जिला में 1 व्यक्ति की मौत वज्रपात होने से हो गई। गर्मी की छुट्टी में भी विद्यालयों में छात्रों को मध्याह्न भोजन देने की तैयारी। खबरों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए स्कूलों में इस गर्मी की छुट्टी में भी छात्रों को मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्य 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपी जांच शुरू करें। मानव संसाधन विभाग मंत्री ने यह टिप्पणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में किया। झारखंड में 2 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई जो रांची के हिंदी पीढ़ी के हैं। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 103 से बढ़कर 105 हो चुका, जबकि 17 लोगों को स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं 3 लोगों की मौत हुई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 31,324 है। मजदूरों के सहायता हेतु बना मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप का रजिस्ट्रेशन आज से समाप्त हो जाएगी। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने मजदूरों के आग्रह पर समय सीमा को बढ़ाकर 29 अप्रैल तक किया था। हालांकि आधे से अधिक मजदूर का कहना है कि सहायता राशि आधार वेरिफिकेशन होने के 1 सप्ताह बाद भी नहीं मिल पाया है, जबकि कुछ मजदूरों ने 1,000 रुपये की सहायता राशि मिलने से काफ़ी खुश हैं। हिंदपीढ़ी पहुंचे सीआरपीएफ के 150 जवान। खबरों के अनुसार रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ के जवान पहुंचने लगे। हिंदपीढ़ी में 150 सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती होगी। सभी जवान 3 अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। लॉकडाउन का लगातार हो रहे उल्लंघन के बाद डीजीपी ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए सीआरपीएफ के जवान की तैनाती की। गुमला जिला के लिए बड़ी राहत, मुस्लिम बहुल्य आज़ाद बस्ती के 59 रिपोर्ट आए निगेटिव। खबरों के अनुसार गुमला जिले से राहत बड़ी खबर आई है। गुमला में 59 लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आया है। इन लोगों ने गुमला प्रशासन की अपील पर जांच कराया था, जिसमें से 57 पुरुष व 2 महिला थी। उधर गुमला जिला प्रशासन के पहल पर गुमला में आदर्श बाजार का शुरुआत किया गया। कागज़ की थैली लाने पर ही सब्जी दिया जा रहा है। प्रशासन ने इसकी शुरुआत ग्राहकों के बीच कागज़ की थैली बांट कर किया। जेपीएससी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेपीएससी द्वारा नया कैलेंडर लॉकडाउन के बाद जारी किया जाएगा। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा नया परीक्षा संबंधित कैलेंडर जारी किया जाएगा। आयोग की कई महत्वपूर्ण परीक्षाएँ अप्रैल व मई में होने की संभावना है। फिलहाल आयोग ने कैलेंडर को अपने वेबसाइट से हटा लिया है। वहीं तकनीकी गड़बड़ी के कारण जेपीएससी ने सोमवार को मार्क्स जाहिर नहीं कर सका। झारखंड खाद्य आपूर्ति तथा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कम प्रभावित जिलों में ही लॉकडाउन की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और इसका इलाज सोशल डिस्टेंसिंग ही है। डॉक्टर उरांव ने सुरक्षा कर्मियों, डॉक्टर व नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के संक्रमण होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। झारखंड में युवाओं के लिए खुशखबरी है। 8 मई के बाद राज्यों में बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। खबरों के अनुसार आयोग में सूचना आयुक्त की जल्द नियुक्ति के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। सरकार ने उच्च न्यायालय में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिए जाने की बात भी कही थी, लेकिन मामला
नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने पर आकर अटक गया। जल्द ही मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति होगी। राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी खबर, 7,29,000 आए नए आवेदन। खबरों के अनुसार हाई कोर्ट ने राशन कार्ड के लिए आवेदन देने वालों के लिए राशन देने को लेकर याचिका दायर पर सुनवाई की। डॉक्टर रवि रंजन ने सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सूत्रों के अनुसार राशन प्रति व्यक्ति 10-10 KG शुरू करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। रांची के हिंद पीढ़ी में CRPF और DC की बैठक हुई। उपायुक्त के गोपनीय कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान हिंद पीढ़ी के कमांडेंट कंट्रोल रूम से संचालक को पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। हिंद पीढ़ी कंटेनमेंट जोन की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी अब CRPF को सौंप दी गई है। इस जोन में अब 3 शिफ्ट में CRPF के जवान तैनात होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोटा में फंसे विद्यार्थियों और मजदूरों को लेकर काफ़ी गंभीर है। उन्होंने कहा कि बच्चे झारखंड के भविष्य हैं। हम लगातार केंद्र सरकार से विद्यार्थियों को घर वापसी को लेकर बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। लॉकडाउन खत्म होते ही जल्द कोई उपाय की जाएगी। कोई भी परेशान होने के बाद कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। मई में 13 दिन बैंक रहेंगे बंद। खबरों के अनुसार मई माह में मजदूर दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, ईद और रविवार को मिला कर कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। लॉकडाउन के कारण बैंक में कर्मचारी भी कम आ रहे हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि यदि बैंक संबंधित कोई भी काम हो तो आप जल्द निपटा लें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। धरती की ओर 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बढ़ रहा पहाड़ जितना बड़ा उल्कापिंड आज 29 अप्रैल को पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरेगा। इस उल्कापिंड का नाम 1998 OR2 है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि स्थान थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो पृथ्वी पर संकट साबित हो सकता है। ऐसे में भारत सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक इस उल्का पर दिशा की गहरी नज़र बनाए हुए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। यह उल्का पिंड 29 अप्रैल को सुबह 5:56 पर पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। धनबाद जिला में संक्रमण जाँच के लिए लगा 3 मशीन। खबरों के अनुसार एक और मशीन लगनी है। 29 अप्रैल से 1 दिन में ही सैंपलों की जांच होगी और 1 दिन में ही रिपोर्ट जारी होगा। उक्त बातें उपायुक्त अमित कुमार ने बताया, जो कि धनबाद, गिरिडीह, संथाल परगना के लोगों के लिए अच्छी खबर है। रांची में भाजपा विधायकों ने किया मोदी आहार का वितरण। भाजपा विधायक जायसवाल की अपील पर हटिया नामक बस्ती में 200 परिवारों में मोदी आहार का वितरण किया गया। लॉकडाउन के 32वें दिन जरूरतमंदों को दिया गया। डोरंडा अस्पताल में 4 महिलाओं की गई डिलीवरी। खबरों के अनुसार सदर अस्पताल में 5 नर्सों को संक्रमण मिलने के बाद अब डोरंडा राजकीय औषधालय में महिलाओं की डिलीवरी कराने का काम शुरू हो गया है। अस्पताल की डॉक्टर पर्वती ने बताया कि आज 8 महिलाओं की डिलीवरी कराने की तैयारी थी, लेकिन शाम होने के कारण 4 ही डिलीवरी कराई गई। वकीलों के वेतन के लिए मिला 45 लाख रुपए। खबरों के अनुसार रांची हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने 7 मई को सुनवाई की समय सीमा निर्धारित की। वहीं BCI की ओर से बताया गया कि अधिवक्ताओं की सहायता के लिए 45 लाख रुपया देगा। जमशेदपुर में 3 मई से चलेंगी ट्रेन सेवा। खबरों के अनुसार 3 मई के बाद जमशेदपुर में पटरियों पर ट्रेन दौड़ने लगेंगी। इस ट्रेन में सिर्फ रेल कर्मचारी ही रहेंगे। यह ट्रेन चक्रधरपुर मंडल के टाटा नगर स्टेशन, राउरकेला, झासुगुड़ा व चक्रधरपुर स्टेशन तक जाएगी। अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली संक्रमण के हालात की जानकारी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची एवं पूर्वी सिंहभूम के सामाजिक, धार्मिक, उद्योग एवं व्यवसाय जगत के लोगों से बातचीत की। केंद्रीय कर्मचारियों के यात्रा भत्ता पर भी लग सकती है रोक। खबरों के अनुसार DA और DR के बाद अब TA में भी कटौती कर सकती है सरकार। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता पर सरकार का अगला निशाना बन सकता है। तेलंगाना, मुंबई, गुजरात राज्यों में फंसे 2200 मजदूरों ने झारखंड के मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। मजदूरों का कहना है कि तेलंगाना में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कुछ मजदूरों का तबीयत भी खराब हो रहा है। उनका कहना है कि झारखंड सरकार हमें जल्द कोई मदद करे,
जिससे कि सभी मजदूर घर तक लौट सके। उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप के तहत भी कोई राशि प्राप्त नहीं हो सका, जबकि आधार वेरिफिकेशन एक सप्ताह पहले ही हो चुका है। अनशन पर बैठा एक संक्रमित साधु कमरे में अपने को कर लिया था बंद। खबरों के अनुसार रांची रिम्स में एक संक्रमित साधु जो 78 वर्ष का है, वह अनशन पर बैठा है, कोई भी तरल पदार्थ नहीं ले रहा है, ऐसे में उनकी स्थिति बिगड़ रही है। 4 मई से चलेंगी रेलगाड़ियां, आज की बैठक में हो सकता है फैसला। सूत्रों के अनुसार 3 मई को समाप्त हो रही लॉकडाउन के बाद 4 मई से रेल सेवा का परिचालन शुरू हो सकता है। 29 अप्रैल को रेल मंत्रालय और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें।